हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, और अभी तक हमने जितनी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो आपको सिंपली गूगल पे लिखना है ninotronics.com, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखेगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसी एक साइट खुल जाएगी जिसमें आपको ऑल जॉब्स में जाना है। जैसे ही आप ऑल जॉब्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवऑप्स जावा रिलेटेड बहुत सी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और जैसे कि हम बात कर लेते हैं डेवऑप्स के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, और नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप हमारे यहाँ पे भी क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कि हम डेली बेसिस के अंदर आप सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, मिनिमम एक या दो जॉब अपॉर्चुनिटी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट करते रहते हैं। तो याद से अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की जॉब अपडेट। हम आपके लिए लेके आए हैं दो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। जो पहली है वो होने वाली है डेवऑप्स इंजीनियर क्यूबरनेटिस की, जो है इंफोसिस की ओर से। एंड सेकंड जो होने वाली है वो फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है, और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है अभी फ्रेशर के लिए है, और सैलरी जो होने वाली है और आपका जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है उसके बारे में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहली जॉब अपॉर्चुनिटी जो है। तो यहाँ पे जो आपका डे टू डे नॉलेज होने वाला है, डे टू डे जो आपके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, वो आपका AWS से होने वाला है जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और क्यूबरनेटिस से होने वाला है। और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप रोल कर रहे हैं तो आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। और बात करी जाए तो आपको CI टूल्स, CD टूल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँ तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर इसके लिए आप फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सर्विस लाइन जो होने वाली है वो डेटा एंड एनालिटिक्स यूनिट की होने वाली है। मतलब कि मोस्टली आपको जो काम मिलने वाला है वो ग्लू पे बेस काम मिलने वाला है, या हम बात करें तो AWS के जो बिग डेटा है उन टूल्स पे आपको यहाँ पे काम करने को मिल सकता है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है फ्रेशर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंफोसिस वाले का लिंक दे दूंगा और इसका भी मैं आपका लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर गो थ्रू जरूर कीजिएगा इनके थ्रू। और दिस इज अ रिमोट पोजीशन, तो ये आपके लिए रिमोट पोजीशन होने वाली है, और शुड हैव गुड नॉलेज, हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट डेटाबेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी एक स्क्रिप्टिंग नॉलेज लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम मतलब कि कोड मैनेजमेंट टूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको CI/CD और कंटेनराइजेशन ऑर्केस्ट्रेशन टूल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो उनके बारे में ही इन्होंने बताया, किसी एक क्लाउड पर सर्विस प्रोवाइडर की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और AWS हमने भी थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं हमारे चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टूल अगर प्रोमेथिस का अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोमेथिस हमने मोस्टली मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। राइट, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर उससे गो थ्रू कीजिए, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।